पिछले वीक के अपडेट में मैंने आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज वन के बारे में बताया था, शिव मूर्ति का ये वाला हिस्सा। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यहाँ से आगे टनल के अंदर ले जाऊँगा, बट जो टनल के अंदर का अपडेट है उसमें जो वॉइस है उसकी रिकॉर्डिंग सही से नहीं हुई है, तो उसको मुझे री रिकॉर्ड करना पड़ेगा। होपफुली इस वीक मैं उसका अपडेट भी शेयर कर दूंगा। इस वीक एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप पैकेज थ्री से पैकेज टू की तरफ जाते हैं, यानी गुड़गांव से जब आप दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो और आप एलिवेटेड रास्ता लेते हैं दिल्ली गुड़गांव को क्रॉस करने के बाद, नजफगढ़ कापासेड़ा रोड से जब आप एलिवेटेड रास्ता लेते हैं तो आप यहाँ से स्ट्रेट आते हैं, और स्ट्रेट आने के बाद आप यहाँ से द्वारका की तरफ उतर जाते हैं। लेकिन अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं, सेक्टर 22 या 23 की तरफ से आ रहे हैं, तो आप एलिवेटेड रास्ता लेकर गुड़गांव की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप इस फ्लाईओवर के ठीक ऊपर, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तीन स्पैन का काम अभी बचा हुआ है। और यहाँ पे जो तीन स्पैन लगेंगे उसके लिए पोर्टल बीम है, जो बीम का वेट है वो लगभग 350 टन का वेट है। तो उस वेट को उठाने के लिए बहुत सारे प्लानिंग करी गई कि कैसे होना है। बहुत टाइम से चल रहा था प्लानिंग कि इतने छोटे से स्पेस में आप देख रहे हैं, ये स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है और ये स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है, और पूरा जो फ्लाईओवर उसको फंक्शनल कर दिया गया है। तो इतने छोटे से स्पेस में वो 350 टन का जो बीम है उसको उठाकर पिलर्स के ऊपर कैसे रखेंगे, तो उसकी पूरी प्लानिंग कर दी गई है और अब वहाँ पे काम भी शुरू कर दिया गया है। बट उस प्लानिंग को करने के वजह से ये जो पूरा आप सेक्शन देख रहे हैं, इसमें जब आप पैकेज वन से पैकेज टू की तरफ आते हैं, यानी कि जब सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ से जब आप पैकेज वन से पैकेज टू में आते हैं, तो आप एलिवेटेड रास्ता लेकर आगे बढ़ते हैं गुड़गांव की तरफ, और एलिवेटेड रास्ता लेकर जब आप इस हिस्से में आते हैं एग्जैक्टली इस पॉइंट में, तो एलिवेटेड रास्ता जो है वो स्प्लिट हो जाता है दो हिस्सों में। एक हिस्सा आपको लेफ्ट की तरफ ले जाता है और एक हिस्सा आपको राइट की तरफ ले जाता है। अगर आप लेफ्ट वाले में जाते हैं तो आगे जाकर फ्लाईओवर से आप ये जो यशोभूमि का मेट्रो स्टेशन है, जिसमें सेक्टर 25 नाम है मेट्रो स्टेशन का, बट ये वाला जो सेक्टर है ये द्वारका का सेक्टर 26 है, भरतल गाँव है ये, तो यहाँ के मेट्रो स्टेशन के पास आप रैम से नीचे उतर जाते हैं। बट इसी स्प्लिट से जब आप राइट हैंड साइड वाले इससे जाते हैं आगे, तो आगे जाने के बाद यहाँ से जब आप आगे आएंगे तो आप सीधा दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास एलिवेटेड रास्ते को लेकर, यहाँ से देखिए इस हिस्से को क्रॉस करके आप यहाँ से नीचे उतरेंगे, और यहाँ से नीचे उतरने के बाद आप पैकेज टू से पैकेज थ्री की तरफ जा सकते हैं। अब पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि ये वाला जो हिस्सा है, जिससे आप अगर सेक्टर 21 के पास से एलिवेटेड रास्ता ले रहे हैं, तो गुड़गांव जाने वाला जो एलिवेटेड रास्ता है उसको यहाँ पे टेम्पररीली ब्लॉक कर दिया गया है। ये ब्लॉक कितने दिन तक रहने वाला है वो इस वीडियो में बताऊंगा, और इस ब्लॉक के अलावा दूसरा ब्लॉक कहाँ लगने वाला है। दूसरा ब्लॉक जो है, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, यानी इस हिस्से से आ रहे हैं, आप पैकेज थ्री से पैकेज टू में आते हैं और सरफेस रोड नहीं लेकर आप एलिवेटेड रास्ता लेते हैं और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं भरतल चौक के ऊपर की तरफ, तो इस हिस्से में यहाँ पर आकर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से में आप रास्ता जो है वो स्प्लिट कर जाता है। एक रास्ता आपको द्वारका की तरफ लेकर चले जाता है और दूसरा रास्ता आपको सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ ले जाता है। ये देखिए यहाँ से मुड़ा और ये रास्ता आपको सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ, यहाँ से फ्लाईओवर होते हुए यहाँ से नीचे आएंगे आप और सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ यहाँ पे चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ से, तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जिससे आप गुड़गांव से द्वारका के सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ जब जाते हैं, तो उस एलिवेटेड रास्ते को लेकर, तो उस हिस्से को अब बंद कर दिया जाएगा लगभग 40 डेज के लिए, और बंद कर दिया जाएगा इसको, जिसमें से 5 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं। अब अगर इसको बंद कर देंगे तो आप एलिवेटेड रास्ते को लेकर क्या सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ जा पाएंगे? तो इस रास्ते को लेकर तो आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन इसके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट आपके लिए कर दिया गया है। अब इमेजिन कीजिए कि आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ से आ रहे हैं और आपने दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस किया और यहाँ से आप ऊपर आए। ऊपर आने के बाद एलिवेटेड रास्ता आपने लिया, एलिवेटेड रास्ता लेकर अब आप जब ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो आप यहाँ पे राइट की तरफ नहीं मुड़ पाएंगे, यानी सेक्टर 21 की तरफ नहीं मुड़ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से द्वारका की तरफ जाना है स्ट्रेट, और जब यहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे तो ये जो आपको बटरफ्लाई लूप दिख रहा है, ये वाला पूरा लूप, इसको अब पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इसको ओपन करने के लिए और कितने दिन बचे हैं, कैसे ओपन होगा, कितना काम यहाँ पे हो गया है, कितना हिस्सा जो है उसको ब्लैकटॉप कर दिया गया है, कहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट का काम बचा हुआ है, वो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपके लिए जो ऑल्टरनेट रास्ता होगा गुड़गांव के तरफ से सेक्टर 21 के अंडरपास जाने का, वो आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद इस पॉइंट में रास्ता स्प्लिट हो जाएगा, एक रास्ता आपको द्वारका की तरफ ले जाएगा, दूसरा रास्ता आपको यहाँ से एलिवेटेड रास्ता होते हुए यहाँ से इस वाले लूप में उतारेगा,
और यहाँ से आप स्ट्रेट आएंगे, स्ट्रेट आने के बाद जिस फ्लाईओवर के ऊपर से आप गए थे ठीक उसी फ्लाईओवर के नीचे भी एक एलिवेटेड रास्ता है भरतल चौक के ऊपर, यहाँ से आप नीचे से आएंगे, नीचे से आने के बाद यहाँ से आप स्ट्रेट आएंगे, स्ट्रेट आने के बाद ये जो रैंप है इस रैंप से आप आएंगे आगे, और आगे आने के बाद यहाँ से आप और आगे आएंगे और रैंप के थ्रू आप नीचे उतरेंगे और सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ यहाँ से चले जाएंगे। आइए अब मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ और एक्चुअल ग्राउंड में जो स्टेटस है वहाँ पे क्या काम चल रहा है, कैसे कैसे अलाइनमेंट चेंजेस होने वाले हैं, अभी क्या पोजीशन है ट्रैफिक की, ट्रैफिक का मूवमेंट कैसा है, वो सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। दो ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप वन का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप टू ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप वन कम्प्लीटली फुल हो चुका है इसलिए मैंने ग्रुप टू को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप वन के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप टू ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूँ। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट दो बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल स्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ, ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिए का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं मुझे उनके इन एंड आउट पता है, उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है, मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर, मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल स्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल स्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 2 का ये वो सेक्शन है जहाँ पे द्वारका का जो ट्रैफिक है वो जब गुड़गांव की तरफ जाएगा, यानी पैकेज 2 से जब आप पैकेज 3 की तरफ जाएंगे तो जो एलिवेटेड रास्ता है उसको यूज़ करके जाएंगे, वहाँ पे एक स्पैन है जो अभी तक नहीं बना। नॉर्मली एक स्पैन को कंप्लीट करने में 5 से 7 दिन का टाइम लगता है, बट यहाँ पे जो स्पैन है इस पे जब काम चलेगा, ये एक्चुअली स्पैन है, पहले पोर्टल बीम बनेगा उसके बाद स्पैन लगेगा, तो पोर्टल बीम का जो काम चलेगा वो लगभग 40 से 45 डेज तक का वो काम चलेगा। क्योंकि ये जो पोर्टल बीम यहाँ पे लगेगा वो पोर्टल बीम के वजह से काफ़ी सारे डाइवर्जन होंगे। जो गुड़गांव का ट्रैफिक दिल्ली की तरफ जाता है वो डाइवर्ट हो जाएगा। वो कैसे डाइवर्ट होगा, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए आगे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड है ठीक उसके ऊपर ये फ्लाईओवर है। आप फ्लाईओवर के नीचे से आ रहे हैं, यानी जो गुड़गांव की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है वो इस फ्लाईओवर के नीचे से आ रहा है। ये देखिए इस फ्लाईओवर के नीचे से अगर आप आते हैं और यहाँ से स्ट्रेट अगर आप चले जाएंगे तो आप यशो भूमि की तरफ चले जाएंगे। पहले ये रास्ता नहीं खुला था बट रिसेंटली इस रास्ते को भी ओपन कर दिया गया है, तो आप यहाँ से सरफेस रोड लेकर भी आगे की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर अगर आप यू टर्न लेते हैं दूसरी तरफ से, और यू टर्न लेने के बाद जब आप उतरेंगे तो रैंप का जो काम है ना वो यहाँ पे चल रहा है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव आना चाहते हैं तो अभी एलिवेटेड रास्ता जो है वो पूरा नहीं हुआ, और मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो गडर लगना है उसका फैब्रिकेशन चल रहा है, और उसमें 350 टन का वो गडर है, उसको उठा के वहाँ रखेंगे कैसे वो भी बहुत एक चैलेंजिंग चीज़ है। तो यहाँ अगर आप सामने देखें तो देखिए ये वही गडर है
350 टन का, जिसको उठाकर ऊपर रखा जाएगा। जहाँ पे रखा जाएगा अभी मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ, और वहाँ पे क्या अलाइनमेंट होगा, कैसे रखा जाएगा इसको, उसका क्या टाइमलाइन होगा, ट्रैफिक मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी, वो सब कुछ इस अपडेट में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब यहाँ से हम भड़तल चौक के ऊपर चलेंगे। ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये यशोभूमि है, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 फ्लाईओवर आपको दिखेंगे। एक फ्लाईओवर में ट्रैफिक मूवमेंट दिख रहा है, और दोनों कोने वाले जो फ्लाईओवर है उसमें ट्रैफिक मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन जो बीच वाला फ्लाईओवर है उसमें आपको कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं दिख रहा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 दिन पहले ये जो बीच वाला हिस्सा है, जिससे अगर आप सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ से आ रहे हैं और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है, तो जब आप एलिवेटेड रास्ता लेते हैं तो एलिवेटेड रास्ते का जो एक पोर्शन है वो आपको यहाँ से आगे जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर, देखिए वहाँ मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर जाकर उतार देता है। और जब फ्लाईओवर स्प्लिट होता है तो दूसरा हिस्सा जो है फ्लाईओवर का, वो यहाँ से आपको गुड़गांव की तरफ ले जाता है, जहाँ से आप नीचे उतर के पैकेज 2 से पैकेज 3 की तरफ चले जाते हैं। जो पैकेज 2 से पैकेज 3 वाला जो हिस्सा है जाने वाला, उसमें अगर आप इस वाले पोर्शन में देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए आपको बैरिकेटिंग दिखेगी। तो लगभग 5 दिन पहले यानी 12 जुलाई को या 13 जुलाई 2024 को यहाँ पे बैरिकेटिंग कर दी गई है। यहाँ से आप इस वाले पोर्शन पे नहीं जा सकते हैं, बीच वाले पोर्शन पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको गुड़गांव की तरफ जाना है और आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, तो आप लास्ट वाला फ्लाईओवर लेंगे और वहाँ से स्ट्रेट जाएंगे, आगे जाकर नीचे उतरेंगे और फिर सरफेस रोड लेकर आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जो गुड़गांव से ट्रैफिक आ रहा है वो ये वाला ट्रैफिक है। जब आप पैकेज 3 की तरफ से आते हैं, अभी मैं आपको वाला हिस्सा भी दिखाऊंगा, जब आप पैकेज 3 की तरफ से आते हैं पैकेज 2 में, तो आप एलिवेटेड रास्ते पर चढ़ जाते हैं। वो एलिवेटेड रास्ता जो है इसके नीचे है ये वाला, और यहाँ से आप आगे जाते हैं और आगे जाकर सेक्टर 21 का जो अंडरपास है वहाँ पे चले जाते हैं, और वहाँ से आपके पास ऑप्शन है कि आप टनल में जा सकते हैं या फिर सरफेस रोड लेकर जा सकते हैं। टनल अभी फ़िलहाल पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। मैं आपको ये दिखा दूँ, देखिए रनवे में प्लेन। तो ये वाला जो ट्रैफिक का मूवमेंट है ना, ये ट्रैफिक का मूवमेंट आप मानिए कि नेक्स्ट 5 to 7 डेज के अंदर अंदर ये वाला फ्लाईओवर बंद हो जाएगा। लेकिन ये फ्लाईओवर तब बंद होगा, उससे इस फ्लाईओवर को बंद करने के लिए ये एटलीस्ट 40 डेज तक और बंद रहेगा फ्लाईओवर, जिसमें से 45 में से 5 डेज ऑलरेडी जा चुके हैं, तो 40 डेज और ये बंद रहेगा फ्लाईओवर। बट इस फ्लाईओवर को बंद करने के लिए एक दूसरा ऑल्टरनेटिव दिया जाएगा आपको, अगर आप यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अपोजिट साइड चलते हैं, जहाँ पे बटरफ्लाई लूप है। एक बटरफ्लाई लूप आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आधा हिस्सा ब्लैकटॉप कर दिया गया, आधा हिस्से पे अभी काम चल रहा है। ये देखिए सामने बस डिपो है, ये जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिख रहा है। सेक्टर 21 में D21 का जो मॉल है या मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ पर है। अब यहाँ से आप इस तरफ देखिए, अब यहाँ पे देखिए सामने यशोभूमि है, सेक्टर 25 है द्वारका का। इसमें जो खाली एरिया आपको दिख रहा है, कुछ सालों में ये खाली एरिया नहीं दिखेगा, जैसे एरो सिटी है वैसे ही ये एरो सिटी 2 की तरह बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप एलिवेटेड रास्ते से आ रहे हैं, यानी इमेजिन कीजिए आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, पैकेज 3 से पैकेज 2 की तरफ आ रहे हैं, तो इसी एलिवेटेड रास्ते से आप ऊपर की तरफ जब आते हैं तो ये एलिवेटेड रास्ता स्प्लिट कर जाता है 2 हिस्सों में। एक रास्ता आपको द्वारका की तरफ ले जाता है, और एक रास्ता यहाँ से अगर आप नीचे से टर्न लेते हैं, तो अभी मैंने जो आपको हिस्सा दिखाया था आप उस हिस्से में चले जाएंगे, एलिवेटेड फ्लाईओवर लेते हुए आप सेक्टर 21 की तरफ चले जाएंगे। बट ये वाला जो एरिया है ना, ये अभी बंद होने वाला है। जहाँ पे बंद होगा वो हिस्सा मैं अभी आपको दिखाऊंगा चलकर। यहाँ अगर आप देखें, बंद करने से पहले क्या होने वाला है वो आपको दिखाता हूँ। जब भी आप यहाँ से द्वारका की तरफ जाते हैं तो ये जो है यहाँ पे बटरफ्लाई लूप एक आपको दिख रहा है। आगे जाएंगे और बटरफ्लाई लूप में गोल घूमकर यहाँ पे देखिएगा, इस हिस्से में जाकर आप जुड़ जाएंगे। तो ये जो बटरफ्लाई लूप है, इसमें ब्लैकटॉप का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसमें अब क्या काम बचा है, दो से तीन काम बचा है। एक काम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंशन जॉइंट का काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 5 to 7 डेज में इस एक्सपेंशन जॉइंट के काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज इसमें फिलिंग हो रहा है, कंक्रीट को इसमें भरा जा रहा है, उसके बाद इसको सूखने के बाद इसको लेवल पे लाकर एक्सपेंशन जॉइंट को, इस वाले पोर्शन को भी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी बैरिकेटिंग लगी हुई है, उसको हटा दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं इस सेक्शन में, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट आगे चले जाते हैं तो आप द्वारका की तरफ चले जाएंगे। ये जो हिस्सा आपको फ्लाईओवर का दिख रहा है, अगर आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ आएंगे तो वो ये हिस्सा है। लेकिन इस हिस्से में अभी जो है काम नहीं चल रहा है इसमें, लेकिन ये जो है ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया, क्योंकि इसमें काम चल रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये मैंने दिखाया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे भी एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा है। इसमें कॉन्क्रीट आज पोर कर दिया जाएगा, और
तीसरा जो काम है वो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे आपको बैरिकेड्स दिख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे कंक्रीट को ऑलरेडी पोर कर दिया गया है, काफ़ी पहले कर दिया गया था। तो देखिए जैसे वो वाला हिस्से को ओपन किया जाएगा ना, तो ये वाला जो हिस्सा है जिसके नीचे से फ्लाईओवर जा रहा है उस हिस्से को बंद कर दिया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं इसमें अभी भी एक्सपेंशन जॉइंट का काम बचा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें दो तीन जगह बचे हुए एक्सपेंशन जॉइंट का काम, जैसे यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन जॉइंट का काम बचा हुआ है। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अब यहाँ से अगर आप सामने देखें तो हमारे ही मैन सुपरमैन स्पाइडरमैन यहाँ पे भी काम कर रहे हैं और इस फ्लाईओवर को भी फंक्शनल करने के लिए जो कुछ हो सकता है वो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं कि क्या काम चल रहा है तो वो एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा है। यहाँ पे ये देखिए एक्सपेंशन जॉइंट वाला काम यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट 5-7 डेज में इस एक्सपेंशन जॉइंट वाले काम को भी कंप्लीट कर देना है और इसके बाद इसमें कंक्रीट पोर कर दिया जाएगा। उधर का तो काम हो चुका था, इधर वाले काम को कभी किया जा रहा है, तो जब यहाँ पे कंक्रीट पोर किया जाएगा साथ साथ ये क्रैश बैरियर में भी कंक्रीट पोर कर दिया जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये आखिरी स्पैन है और इस पूरे दिल्ली वाले सेक्शन का सबसे हाईएस्ट जो सेक्शन है ना वो यही वाला सेक्शन है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जो मैं आपको समझा रहा था उस तरफ से, अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी इस चीज़ की। ये देखिए यहाँ पे आपको क्रेन्स दिखेंगे खड़े हुए, यहाँ पे बॉक्सेस बनाए जा रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा क्रेन खड़ा होगा वेट के हिसाब से। ट्रस को यहाँ पे लगा दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक पिलर यहाँ दिखेगा आपको, एक पिलर यहाँ दिखेगा, इसी के ऊपर जो है वो पोर्टल बीम आएगा यहाँ पर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए ये वाला जो रास्ता है, अगर आप सेक्टर 21 की तरफ से आ रहे हैं यानी उस जगह से आप आ रहे हैं तो फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए इस वाले से आप आगे जाते थे गुड़गांव की तरफ, तो क्योंकि आगे रास्ता बंद कर दिया गया ये वाला रास्ता, तो आप ऑल्टरनेट रास्ता वो जो है वो खुला हुआ है। बट आप जब उस रास्ते से जाएंगे तो वो रास्ता आपको गुड़गांव की तरफ तो लेकर जाएगा बट आगे रैंप के थ्रू आपको नीचे उतार देता है जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है। देखिए ये मेट्रो स्टेशन के पास आपको दिखेगा ट्रैफिक यहाँ से नीचे उतर जाएगा सरफेस रोड में और वहाँ से सरफेस रोड से वो आगे गुड़गांव की तरफ जाएंगे। तो जैसे इस रास्ते को बंद किया गया है वैसे ये रास्ता जो है इसको भी बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखिए तो देखिए ट्रैफिक आ रहा है ये गुड़गांव की तरफ से पैकेज 3 से पैकेज 2 में आ रहा है और यहाँ पे इस पॉइंट में आकर जो ट्रैफिक है ना वो स्प्लिट हो जाता है दो हिस्सों में। एक जो राइट हैंड साइड वाला है वो द्वारका की तरफ चले जाते हैं और ये जो है ये सेक्टर 21 का जो अंडरपास है वहां पे चले जाते हैं। तो ये वाले हिस्से को आप मानिए कि 40 डेज के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब जो पोर्टल बीम लगेगा, यहाँ पे पोर्टल बीम आप देख रहे हैं और वहां पे पोर्टल बीम देख रहे हैं, पोर्टल बीम का जो पहला हिस्सा है, पोर्टल बीम को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे ये मान लीजिए ये एक पूरा पोर्टल बीम है, इसको 3 हिस्सों में बांटिए, एक यहाँ, एक बीच वाला पोर्शन और एक राइट हैंड साइड वाला पोर्शन। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये जो क्रिब लगा रहे हैं, क्रिब्स को लगाने का काम शुरू हो गया है, क्रिब्स को पूरा यहाँ एंड तक लगाएंगे। देखिए नीचे चौक से मार्क किया हुआ है इस पॉइंट तक, तो ये जो क्रिब है ना ये यहाँ से वहाँ तक लगेगा और पहला जो पोर्शन लगाया जाएगा वो पोर्शन लेफ्ट साइड वाला जो है पोर्टल बीम का उसको लगाया जाएगा। लगभग जब ये लगाया जाएगा तो 10 डेज लगेंगे इसको लगाने में और कंप्लीट करने में, इस सेक्शन 7-10 डेज मानिए। उसके बाद 7-10 डेज लगेंगे इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए जब इस रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अभी जैसे खाली दिख रहा है तो रोड ब्लॉक करने के बाद ये जो क्रिब्स नीचे दिए हुए हैं इसको यहाँ पे भी लगाएंगे इस जगह पे। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो पोर्टल बीम है उसका वेट बहुत ज़्यादा है, 350 टन है, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो इसके वजह से नीचे से भी इसको सपोर्ट दे देंगे, यानी जो इस फ्लाईओवर के नीचे का जो सरफेस रोड है या सरफेस ये जो मिट्टी वाला एरिया दिख रहा है नीचे से भी सपोर्ट दे देंगे क्रिब से और उसको फ्लाईओवर के ऊपर तक ले आएंगे। तो नीचे से भी सपोर्ट होगा ऊपर से भी सपोर्ट होगा। यहाँ पे जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें पहला लगेगा पोर्टल बीम का, उसके बाद सेकंड वाला यहाँ पे लगेगा 7-10 डेज में और उसके बाद 5-6 डेज में बीच वाला जो पोर्शन है उसको लगाने के बाद ये पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस पूरे पोर्शन को कंप्लीट करने का जो टाइमलाइन है 45 डेज का, जिसमें से 5 डेज ऑलरेडी जा चुके हैं, लगभग 5 डेज जा चुके हैं, 40 डेज और मान के चलिए 40 डेज में ये सारा काम होना है। जब इस पोर्टल बीम का जो पूरा वेट है वो पिलर के ऊपर आ जाएगा यानी इस पिलर के ऊपर और इस पिलर के ऊपर, तो नीचे में जो ये क्रिब्स आप देख रहे हैं इस क्रिब्स को हटा दिया जाएगा, सपोर्ट दोनों पिलर पे हो जाएगा। जब ऊपर से भी क्रिब्स हट जाएंगे नीचे से भी क्रिब्स हट जाएंगे। यहाँ पे जो आप मिट्टी वाला एरिया देख रहे हैं इस जगह पे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए आपको एक क्रेन काम करता हुआ दिख रहा होगा वहाँ पर, जेसीबी काम करता हुआ दिख रहा होगा, वो जो जेसीबी साफ सफाई कर रहे हैं वहाँ पे ही जाकर जो बड़ा वाला क्रेन आना है वो वहाँ पे लगना है उस पोर्शन पे, और जब यहाँ पे काम होगा इस तरफ तो यहाँ पे वो क्रेन लगेगा और तब तक ये दोनों रास्ता बंद रहेगा। अब यहाँ पे आप देखें तो छोटे छोटी मार्किंग हो रही है
आप देखिए एक बॉक्स यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, सेकंड आगे मार्किंग किया हुआ है, उसके बाद भी एक बॉक्स का मार्किंग किया हुआ है। तो ये सारे अलग अलग सपोर्ट होंगे, जो कौन सा जो क्रेन है वो कहाँ पे खड़ा होगा, क्रिब्स कहाँ पे लगेंगे, वो सब की प्लानिंग करके उसको उसी के हिसाब से मार्किंग करके उसको अलाइन किया जा रहा है। और ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको चौक से मार्किंग दिख रहा होगा, मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये चौक से आपको मार्किंग दिख रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसी मार्किंग हो जाएगी। और जब इस रास्ते को बंद किया जाएगा तो और मार्किंग्स करने के बाद यहाँ पे क्रिब्स को लगा दिया जाएगा। अगर आज हम देखें तो 18th ऑफ जुलाई है, तो इसमें 40 डेज और जोड़ लीजिए, यानी कि लगभग 28th ऑफ अगस्त, यानी अगस्त में जाकर ये वाला जो काम है ना ये पूरा कंप्लीट होगा। तो भाई अगस्त एंड ये सारा काम कंप्लीट होगा, और उसके बाद फिर से ट्रैफिक के लिए जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे स्पैन वाला काम भी साथ साथ कर दिया जाएगा। इस काम को करने के बाद स्पैन वाला काम होगा, पहले ये 40-45 डेज लगेगा, उस दौरान जब ये काम हो रहा होगा उस लॉन्चर को भी आगे ला दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, जब ये पूरा पोर्टल बीम कंप्लीट हो जाएगा, इसका वेट दोनों पिलर में दे दिया जाएगा, उसके बाद जो है वो वाला जो आप देख रहे हैं लॉन्चर, उस लॉन्चर को, ये वाला जो लॉन्चर देख रहे हैं, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो पहले एक स्पैन कंप्लीट होगा, फिर दूसरा स्पैन कंप्लीट होगा, फिर तीसरा स्पैन कंप्लीट होगा। ये वाला पूरा काम कंप्लीट करने में एटलीस्ट आप मान के चलिए कि 25 डेज के आसपास, एक महीना पकड़ लीजिए, एक महीना लगेगा। तो अगस्त एंड सितंबर, ये पूरा जो पोर्शन आप देख रहे हैं भाई, अगस्त पोर्टल बीम वाला काम कंप्लीट होगा अगस्त एंड तक, और सितंबर एंड तक आते आते ये जो ब्लैक टॉप करना है स्पैन को आगे बढ़ाकर, वो सारा काम, और उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो क्रैश बैरियर्स को बनाना है, कंक्रीट करना है, उसके बाद जो एक्सपेंशन जॉइंट है उस जॉइंट को आपस में जोड़ना है, तो ये सब काम करते करते और 15 डेज, आप मान लीजिए 15-20 डेज, तो मुझे ऐसा दिखता है कि नेक्स्ट पॉल्यूशन बैन होने से पहले पहले, यानी नवंबर के आसपास, इस वाले पोर्शन को भी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। उससे पहले ये स्कोप नहीं दिखता है मुझे नवंबर से पहले, क्योंकि जो काम चलना है यहाँ पे, एक तो अगस्त एंड तक चलेगा, उसके बाद एक महीने और पकड़ लीजिए स्पैन ये सब कंप्लीट करने में, तो सितंबर जाए। हालांकि कोशिश पूरी यही है कि सितंबर एंड तक इस पूरे काम को कंप्लीट कर दिया जाए, बट मुझे लगता है कि एक डेढ़ महीना और लग सकता है। अब मैं दिल्ली सेक्शन में हूँ, यहाँ से अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो देखिए आज विजिबिलिटी अच्छी है, तो आपको ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स दिख रहे हैं ये पूरा गुड़गांव सेक्शन है। यहाँ पे देखिए इसमें से बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग जो अभी आपको दिख रही है, कुछ सालों में ये हाई राइज बिल्डिंग्स दिखनी बंद हो जाएंगी, इनके आगे और भी बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स आ जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।